हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हंगर। तो आज हम बात करेंगे रैंक मैथ की, बट उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करो। हमारे जो प्रीवियस जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं आप होप आपने चेक कर लिए होंगे, देख लिए होंगे, तो हम प्लेलिस्ट वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में, जो है SEO से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड, और आगे हम लोग लाने वाले हैं गूगल एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कि कैसे आप गूगल एड्स बनाएं, किस तरह से आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड भी आप बना सकते हैं। तो 15 प्लस इंडस्ट्री बेस्ड हम लोग ट्यूटोरियल लेके आने वाले हैं, और साथ ही साथ में कंटेंट मार्केटिंग का भी ट्यूटोरियल आने वाला है। तो इस बात पर, इस वीडियो पर तो एक लाइक बनता है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है, आपके कोई फ्रेंड है, फैमिली में जो भी है, आपके कॉलीग वगैरह डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, अपनी स्किल्स को और बढ़ाना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, तो हमारा ये चैनल आप जरूर रिकमेंड करें। और प्रीमियम कोर्स भी आप सीख सकते हैं, जिसमें आपको हम इन हाउस टीम आपको सिखाएगी डिजिटल मार्केटिंग सारे प्रीमियम थीम्स प्लगइन्स के साथ, वर्डप्रेस होस्टिंग फ्री के साथ, और अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज वेबसाइट कैसे बनानी है, उन सब ट्यूटोरियल के साथ आपको प्रीमियम कोर्सेज में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इस ऑसम वेबसाइट के बारे में, उससे पहले लोगो इंट्रोडक्शन। तो रैंक मैथ के लिए आप आ सकते हैं www.rankmath.com, अदरवाइज आप नॉर्मल भी सर्च कर सकते हैं, और अगर आप बेस्ट SEO प्लगइन्स और इस तरह से आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। योस्ट SEO का, ऑल इन वन SEO का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, क्योंकि इसमें फीचर्स भी आपको ज़्यादा मिल जाते हैं और कम प्राइस में भी है। कोई मैं ऐसे नहीं ले रहा हूँ, उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, आप खुद चेक कर सकते हैं। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो देखो, आपको मिल जाएगा $59 से स्टार्ट हो जाएगा ये, आपको प्रो वर्जन, देन बिजनेस वर्जन भी है, एजेंसी वर्जन भी है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की सर्विसेज के लिए चाहिए। अगर आप एक छोटे ब्लॉगर्स हैं, इंडिविजुअल हैं, सोलो एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको $59 वाला भी चल जाएगा। बिजनेस कर रहे हैं आप, फ्रीलांसर्स हैं, एजेंसीज के साथ आपका काम है, और लाइक समवेयर अराउंड 15 to 20 क्लाइंट्स हैं आपके पास, तो बिजनेस का आपका काम चल जाएगा। बट बड़ी एजेंसी हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो $499 का आपको ये पड़ जाएगा वन ईयर के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, अनलिमिटेड पर्सनल वेबसाइट्स हैं आपकी प्रो वर्जन के साथ भी, जो सबसे सस्ता है इवन। बस प्रॉब्लम यह है कि ट्रैक और कितने AI कंटेंट मिल रहे हैं आपको, वो सब चीज़ें यहाँ पर बेस्ड रहती है। 59 और 199 और 499 में आपके टैक्स भी जुड़ेंगे, जो समवेयर अराउंड 18% ही रहता है। जैसे अगर मैं बाय करूं तो आपको यहां पर आ जाएगा शायद ऑप्शन, देखो 69.62 बैठ रहा है, जो भी यहां पर ऐड करने के बाद लाइक GST वगैरह, टैक्सेस वगैरह, आपकी कंट्री बेस्ड पर वो रहेंगे। अगर हम बात करें रैंक मैथ कैसे हेल्प करेगा आपको, तो रैंक मैथ एक बहुत ही SEO फ्रेंडली खुद ही प्लगइन है। लेकिन तो क्या होता है ना, ज़्यादा MB या फिर ज़्यादा डेटा वाली प्लगइन नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपकी वेबसाइट्स को काफ़ी अच्छे से रैंक कराने में हेल्प करेंगे। आपको कंसोल से रिलेटेड, स्कीमा से रिलेटेड, लोकल SEO से रिलेटेड, नॉलेज ग्राफ से रिलेटेड, WooCommerce, ई-कॉमर्स मतलब उसके लिए इमेज SEO आप कर सकते हैं, साइट मैप आप ऐड कर सकते हैं, आप वेबसाइट ट्रैक कर सकते हैं, कंटेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको खुद से अपने आप ही ये आपकी जो भी लाइक राइटिंग है, ब्लॉग्स है, पेज से रिलेटेड खुद ही आपको कीवर्ड बना के देगा, आप चाहे तो उसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। तो आगे देखो, देखा जाए तो काफ़ी हेल्पफुल है ये, आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, यहाँ पर इजी टू फॉलो सेटअप विजर्ड आपको छोटा ये यहाँ पर करना पड़ेगा, बेस्ड ऑन एडवांस कस्टम मॉडल्स के हिसाब से आपकी क्लीन एंड सिंपल यूजर इंटरफेस आपको मिल जाता है, विल विद परफॉर्मेंस इन माइंड, आप अपने परफॉर्मेंस को भी इसको बूस्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री लीडिंग सपोर्ट्स बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रीज आपको ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर। देखो, ऑल इन वन SEO
वाई यू वॉन्ट इट। तो SEO एनालाइजर, गूगल सर्च कंसोल, कीवर्ड रैंकिंग, स्कीमा मार्कअप, सिक्योरिटी कोड एंड प्राइवेसी और 24/7 सपोर्ट्स है आपको यहाँ पर इस थीम से, प्लगइन से आपको मिल जाएंगे और किसी भी थीम में यहाँ पर वो काम करेगी। अगर बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स तो देखो यार एन नंबर ऑफ फीचर्स हैं, यहाँ तक पूरे आपके फीचर्स ही फीचर्स हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा बात करने तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं थोड़े कवर अप कर देता हूँ। जैसे आप देखेंगे तो ये मैंने बताया अभी, क्लीन तो AI कंटेंट है, पर्सनल AI असिस्टेंट आपको इसमें मिल जाता है जो आपको खुद बताएगा कि किस तरह का कंटेंट चल रहा है बेस्ड ऑन ट्रेंडिंग और आपके जो भी प्रीवियस या जो इंडस्ट्री में आप लिख रहे हैं। सपोज मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो दिखाएगा कि किस तरह के कंटेंट अभी ट्रेंडिंग में है या फिर क्या कंटेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बिल्ट इन एडवांस SEO एनालिटिक्स मोड, तो एक मोड मिल जाता है आपको, यू कैन सी कीवर्ड्स व्हिच यू रैंक फॉर, योर साइट मैप स्टेटस एंड इंडेक्सिंग इश्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। गूगल इंडेक्स स्टेटस आपको मिल जाएगा, देन गूगल एनालिटिक्स 4 की इंटीग्रेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं टू कीप एन आई ऑन योर वेबसाइट स्टेट्स विदाउट एवर हैविंग टू लीव द कम्फर्ट ऑफ योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड। रैंक ट्रैकर, इवन इफ यू आर जस्ट स्टार्ट आउट विद द SEO, यू ऑलवेज वॉन्ट टू नो हाउ योर वेबसाइट फेयर्स अगेंस्ट द कॉम्पिटिशन, यूज रैंक मैट ट्रैकर टू चेक वेयर योर वेबसाइट इज स्टैंड फॉर, या आपकी वेबसाइट कहाँ पर है। कीप एन आई ऑन पोजिशन हिस्ट्री, पहले क्या हिस्ट्री चल रहा था, कोई भी आपने ऑप्टिमाइज किया तो अगर लंबा काफ़ी पुरानी वेबसाइट है तो आप देख सकते हैं कि 2022 में कहाँ थी या 2021 में मेरी वेबसाइट पर्टिकुलर कीवर्ड से या रैंक जो भी एक पोजिशन रैंक हो वो क्या था, ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। रैंकिंग कीवर्ड्स फॉर पोस्ट, आप अपने ब्लॉग के लिए भी रैंक कर सकते हैं। द मोस्ट एडवांस स्कीमा जनरेटर, तो स्कीमा जनरेटर बहुत जरूरी है, हमारी जो पहली वीडियो आई थी इससे पहले स्कीमा जनरेटर के ऊपर ही है, हाउ टू मेक स्कीमा मार्कअप, हाउ टू डू रिच स्प्लिट बेस्ड ऑन हाउ टू पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस रेसिपी, ये अगर आप देख रहे हैं और उससे पहले आप सीखना चाह रहे हैं कि स्कीमा कैसे जनरेट करें, तो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन भी आ जाएगा आपको, तो आप वो वीडियो भी यहाँ पर देख सकते हैं। देन इम्पोर्ट स्कीमा मार्कअप फ्रॉम अदर वेबसाइट, किसी और की वेबसाइट से आप ले सकते हैं स्कीमा जो आप, या फिर आप सिमिलर वेबसाइट या फिर आपका जो पुराना डेटा है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं स्कीमा मार्कअप। वैलिडेशन, कस्टमर स्कीमा बिल्डर, कस्टम स्कीमा टेम्पलेट्स विद डिस्प्ले कंडीशंस, आपको टेम्पलेट्स मिल जाएगी, प्रिव्यू मिल जाएगा आपको, जिस तरह से भी आप चूज करते हैं कि आपका जो भी क्रिटेरिया है, जो भी वेबसाइट है वो सर्च रिजल्ट पेज पर किस तरह की आपको दिखेगी, ये चीजें मिल जाएगी। आर्टिकल स्कीमा मिल जाएगा, प्रोडक्ट स्कीमा मिल जाएगा, तो स्कीमा, रेसिपी स्कीमा वगैरह ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो इवेंट, वीडियो, लोकल भी हम उसमें चूज किए थे, FAQ भी हम वहाँ पर चूज कर लिए थे, स्कीमा एड, नॉलेज ग्राफ भी हम लोग वहाँ पर यूज किए थे, एंड कंपेरिजन XML साइट मैप भी हम लोग कवर कर चुके थे उसमें। तो अब आगे देखें तो एडवांस इमेज SEO मॉडल्स आपको मिल जाएगा, एड मिसिंग ऑल टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट, कैप्शन और ओवरराइट व्हाट यू ऑलरेडी हैव, सेट कंडीशंस फॉर ओवरराइटिंग सर्टेन वर्ड्स विद अदर वर्ड्स एंड अप योर इमेज गेम विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। सो आप जितने भी आपके इमेजेस के टाइटल टेक्स्ट हैं या फिर मिसिंग कोई टेक्स्ट है उसमें कोई हाइपर लिंक आपको डालना है, तो उस तरह के वो आपको यहाँ पर सजेशन देगा कि आप कैसे अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लोकल SEO ऑप्टिमाइजेशन आपको कर देगा, अगर आपको लोकल SEO कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे गूगल माई बिजनेस का काम करते हैं, कैसे लोकल कीवर्ड्स सर्च करते हैं, तो मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट SEO वाली आपको रिकमेंड करूंगा, वो आप जरूर देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मल्टीपल प्लेसेस लोकल बिजनेस लोकेशन, आपकी बहुत सारी बिजनेसेस अलग अलग जगह पर है, आप बैंगलोर में सेटअप है पर आप अपनी सर्विसेज पटना, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई ऐसी जगह पर करते हैं, तो उसके हिसाब से भी आपको हेल्प करेगा। इफ़ योर बिजनेस हैज मल्टीपल लोकेशन एंड यू विश टू रैंक इक्वली वेल फॉर ईच लोकेशन विद लोकली सर्च्ड कीवर्ड्स, द मल्टी लोकेशन लोकल SEO ऑप्शन इन रैंक मैथ इज द वन यू हैव बीन यर्निंग फॉर। सो जो लोकल SEO ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन में आपको रैंक मैथ में मिलता है, वो आपको बहुत यहाँ पर हेल्प करेगा।
शॉर्ट कोड फॉर डिस्प्लेइंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप शॉर्ट कोड वहाँ पर डाल सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन कवर करने के लिए, जैसे आपका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, हाउस आप कब कब ओपन रहते हैं, कस्टमर सर्विसेज, या आपकी लीड जनरेशन के लिए, वो ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। एडवांस ब्लॉक टू शो लोकल बिजनेस इन्फॉर्मेशन, आपको लोकल सिमिलर ही है जैसे पैसा है पहले था, तो आपको लोकल बिजनेस शो करने के लिए यहाँ पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब बात करें वूकॉमर्स के लिए, तो वूकॉमर्स एसईओ प्रो कंबाइन वूकॉमर्स सेलिंग पावर विद द रैंक मैथ, एसईओ पावर्स टू क्रिएट एन ई कॉमर्स पावर हाउस रैंक मैथ्स, यूजर फ्रेंडली एंड पावरफुल फीचर्स मेक रैंकिंग इन सर्च इंजन ईजी एंड एफर्टलेस। तो वूकॉमर्स के साथ भी ये प्लगइन काम करती है, आपके जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट हैं वहाँ पर हेल्प करेगी, आपकी जो भी प्रोडक्ट है उनको बेस्ड ऑन सर्च स्पिरिट या बेस्ड ऑन प्रोडक्ट के हिसाब से आपको वहाँ पर, या प्राइस वैल्यू के हिसाब से आपको वहाँ पर लेके आएगी। जैसे आपका कोई भी नाइकी शूज़ अगर आप सेल कर रहे हैं तो रैंक मैथ के थ्रू आप नाइकी रेड शूज़, नाइकी शूज़ इन 5000, नाइकी शूज़ बैंगलोर, ऑनलाइन नाइकी शूज़, इस तरह के जितने भी कीवर्ड हैं उन सबसे आपको यहाँ पर रैंक कराने के लिए हेल्प करेगा। और ये हेल्प करेगा स्पीड लोड करने के लिए भी आपकी ई कॉमर्स की, ताकि प्रॉब्लम यूजर्स को कुछ ना हो। कंप्लीट इजी डाउनलोड एसईओ, आप इजी लाइक पूरा इजीली सेलिंग ऑनलाइन कोर्सेज, बुक एंड अदर डिजिटल गुड्स इज डिलाइटिंग विद द पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ इजी डिजिटल डाउनलोड एंड रैंक मैथ। यूज रैंक मैथ एडवांस एसईओ फीचर्स टू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट इजिली। फोकस कीवर्ड एंड कंटेंट एनालिसिस, ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कीवर्ड आर लाइक द ब्लड दैट फ्लोज थ्रू योर पोस्ट बॉडी, यूजिंग द करेक्ट कीवर्ड इन द एप्रोप्रिएट प्लेस फॉर्म्स द बेसिक ऑफ ऑन पेज एसईओ। आर एसईओ प्लगइन फॉर वर्डप्रेस एनालाइज योर पोस्ट एंड आइडेंटिफाइज कीवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन मैक्सिमाइज टू रिसीव द हाईएस्ट ट्रैफिक। तो आपको ये हेल्प करेगा फोकस कीवर्ड्स को लाने के लिए। कंटेंट भी ये यहाँ पर जो आपने कंटेंट डाला हुआ है उसको एनालिस करता है, उसको देखता है कि हाईली टॉप रेटेड जो वर्ड हैं, जो सेंटेंस हैं वो क्या है। जैसे आप मेरी वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो आपको अबाउट अस में मिल जाएगा लाइक व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज प्रोवाइड यू फ्री डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग और ब्लॉग पोस्ट। तो वो क्या करेगा ना, वो जो हाईलाइटेड है और जो जितने भी पुराने आपके एनालिस करते हैं कंटेंट के हिसाब से ये एआई, वो उनको ज़्यादा रैंक करेगा। अगर आपने वो कीवर्ड यूज़ नहीं किया है और हाईलाइटेड है इस ऑप्शन के थ्रू, तो वो उस कीवर्ड के लिए भी रैंक करके देगा, क्या उसका ज़्यादा डेंसिटी हो या लो सर्च हो। अगर लो सर्च है तो भी रैंक हो जाएगा तो भी अच्छा है, ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन एसईओ एनालिसिस टूल बेस्ड ऑन 40 फैक्टर्स, रैंक मैथ पुल्स द पावर ऑफ एन एसईओ ऑडिट एट योर फिंगर टिप्स एट द क्लिक ऑफ बटन। रैंक मैथ विल एक्सेस योर वेबसाइट ऑन 40 एसईओ फैक्टर्स, नॉट ओनली दैट बट रैंक मैथ विल ऑल्सो गिव यू एक्शनेबल एडवाइस दैट यू कैन यूज टू इम्प्रूव योर वेबसाइट्स एसईओ। तो आपको वहाँ पर एक्शनेबल एडवाइस भी देगा कि क्या प्रॉब्लम है आप, जैसे होता ना आप डैशबोर्ड ओपन किए तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा लाइक दिस कीवर्ड और मे बी दिस इमेज और दिस कंटेंट लो कंटेंट है, या फिर ये इमेज ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा डेटा की है या ज़्यादा साइज फाइल ज़्यादा बड़ी है, तो उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन देगा कि आप इसको कंप्रेस कर दें या फिर अपना कंटेंट बढ़ाएं टू गेट रैंक। तो इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें आप सीधा कह सकते हैं कि एक ओवरव्यू मिल जाएगा, रिकमेंडेशन मिल जाएगी आपको। आप एडवांस बल्क एडिट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, देन क्विक एडिट एसईओ डिटेल्स आपको ऑप्शन में मिल जाती है, टॉप 5 विनिंग लूजिंग पोस्ट आपको जितने भी अच्छे 5 और जितने भी अच्छे 5 बेकार पोस्ट हैं, देन बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स लूजिंग एंड विनिंग वाले टाइप के कौन कीवर्ड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और कौन कीवर्ड बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। एसईओ ओवरव्यू ऑफ साइट कंटेंट विच इज अगेन हेल्प यू फॉर अ सिंगल स्क्रीन मॉनिटर द रिजल्ट ऑफ योर एसईओ एफर्ट्स एंड ऑलवेज नो वेयर यू स्टैंड एसईओ वाइज। तो ये भी आपको काफी हेल्प करेगा। और आपको अगर ज्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप रैंक मैथ के वर्डप्रेस प्लगइन एसईओ सूट्स पर आकर या फिर रैंक मैथ पर आकर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा फीचर्स का, वो आप यहाँ पर आराम से चेक कर सकते हैं। तो काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन है, देखो पूरे ऑप्शन ही ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर हम बात करें सम ऑफ यूनिक एसईओ बेनिफिट्स, रैंक मैथ एसईओ फीचर्स ब्लो एवरी अदर प्लगइन्स आउट ऑफ द वाटर, अ फ्यू ऑफ फीचर्स आर लिस्टेड ब्लो।
सो ये इस तरह के गिमिक लाइन लाइन होती हैं, तो इस तरह की लाइनें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं कस्टमर्स को इंक्वायरी जनरेट करने के लिए, कस्टमर के अंदर यू नो इम्प्रेस करने के लिए कस्टमर को, कि जो छोटी लाइनों में होता है और आपको लाइक डिफरेंट वे में आपकी सर्विसेज या आपको अलग करती है आपके कॉम्पिटिटर्स से। जैसे रैंकिंग ट्रैकिंग आपको मिल जाएगा इसमें, SEO एनालिसिस, ईमेल रिपोर्ट मिल जाएगा आपको, गेट रेगुलर SEO अपडेट्स बाय ईमेल, 44 मॉनिटर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइक 44 नोट पेजेस जो अप्लाई नहीं रहते, देन लिंक बिल्डर आपको मिल जाएगा, क्रिएट इंटरनल एंड ऑटोमेटिकली बूस्ट द SEO, रिडायरेक्शन मैनेजर, सर्च कंसोल, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइट मैप्स की इंटीग्रेशन मिल जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैकअप के लिए एक क्लिक में, रोल मैनेजर आपको मिल जाएगा, 5 कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर अप टू 5 कीवर्ड्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मल्टी साइट कॉम्पेटेबल, ऑप्टिमाइज योर मल्टी साइट नेटवर्क विद रैंक मैथ, जो भी आपकी लाइक काफ़ी सारी तरह की आप चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं तो इस तरह के आपको ऑप्शन मिल जाएगा, डीप स्कीमा इंटीग्रेशन, वू कॉमर्स सपोर्ट, लोकल बिजनेस आप SEO मिल जाएगा, सभी हमने बात की ऊपर मल्टी लोकेशंस या सिंगल लोकेशंस पर, हाई सर्च विजिबिलिटी, नॉलेज ग्राफ, बल्क ऑप्टिमाइजेशन, 24/7 सपोर्ट आपको रैंक में से यहाँ पर मिल जाता है। तो अब बात करते हैं कि रैंक में आपको हेल्प कैसे करेगा ये, तो ठीक है, और कैसे आप वर्डप्रेस पे इसको इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से इसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो अब सीधा मैं आपको मिलूंगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। तो गाइज आ गए चलो माई एग्जाम्पल ट्यूटोरियल .in पर, देन आप प्लगइन में आ जाइए, आप ऐड प्लगइन करके ऐड भी कर सकते हैं, अपलोड भी यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ से जाकर चूज ऑफ फाइल में अगर आपके पास लोकल में है तो, अदरवाइज आप यहाँ सर्च कर सकते हैं रैंक मैथ, हाँ अगर आप क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा या रैंक मैथ का, हमारे पास चलो पहले से ही है तो इसको हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एक ट्यूटोरियल बेस्ड वेबसाइट है, इस पर ज्यादा कोई कंटेंट है नहीं, तो मैं इसको नॉर्मल ही आपको बताऊंगा, देन आपको ऐसे डैशबोर्ड अलग ही मिल जाएगा एक। तो यहाँ पर देखो आपको अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, 44 मॉनिटर, यू कैन स्विच इन और स्विच ऑफ। देखो जब आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएंगे, अगर इसको बंद करेंगे देखो 404 मॉनिटर का ऑप्शन चला जाएगा, ऐसे ही आई थिंक ACF सपोर्ट अगर हम करते हैं तो आई थिंक इसके लिए एक अलग से आपको प्लगइन और यूज करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर देखो ऑप्शन मिल जाएगा, देयर इज एन अपडेट अवेलेबल फॉर कोब्लॉक्स और बीइंग अपडेटिंग प्लगइन, अपडेट plugin reactivate successfully, then all plugins सीधा rank map में आ जाते हैं। यहाँ पर पर आए थे नाउ तो आप जब भी इसको इंस्टॉल करें तो आप देख लें कि कोब्लॉक्स या फिर कोई अदर प्लगइन्स रैंक मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई अपडेटेड से इशू तो नहीं है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिलती हैं जो आपको प्रीमियम ही में ही मिलेगी। ये प्रीमियम नहीं है, ये एक छोटा सा मैंने ऑप्शन लिया हुआ है लोकल से सर्च किया हुआ, देन आपको ऑप्शन मिल जाता है AMP का, इसको आप ऑन कर सकते हैं, आप एनालिटिक्स के ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं, देखते हैं बीबी प्रेस या अगेन एक्टिवेट बीबी प्रेस प्लगइन टू यूज द मॉड्यूल,
तो आपको ये सारी प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो इसको मैं ऐड करता हूँ बीबी। और फिर चलते हैं रैंक मैथ की तरफ, ACF सपोर्ट और रैंक मैथ और रीड एनालिसिस। इसको इंस्टॉल करने के बाद वेट, ये जो इनके साथ ऑप्शन आ रहे हैं हम लोग वही लेकर चलते हैं यहाँ पर। तो आपको और ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कंटेंट AI इमेज SEO। देखते हैं ये ओपन ऑलरेडी हो जाएगा क्या। जी, बगल में आपको सेटिंग के ऑप्शन भी मिल जाएंगे जो पर्टिकुलरली बेस्ड रहेंगे, और आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। डायरेक्टली नोटिफाई सर्च इंजन्स लाइक बिंग एंड इंडेक्स यूजिंग द इंडेक्स नाउ API। देन लिंक काउंटर, आप लिंक काउंट कर सकते हैं। लोकल SEO नॉलेज ग्राफ, ये आपका प्रो वर्जन है, ये भी आपका यहाँ पर प्रो वर्जन में चल गया है। न्यूज साइट मैप, तो अगर आपके पास एक न्यूज से रिलेटेड आपकी कोई वेबसाइट है तो यहाँ पर ये हेल्प कर देगी आपको। देन रिडायरेक्शन, रिडायरेक्ट नॉन एक्सिस्टेंट कंटेंट इजिली विथ 301 एंड 302 स्टेटेड कॉस्ट। दिस कैन हेल्प इम्प्रूव योर साइट रैंकिंग, ऑल्सो सपोर्ट मैनी अदर रिस्पॉन्स कोड्स। स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा की बात करें तो इनेबल सपोर्ट फॉर द स्ट्रक्चर डेटा विच एड स्कीमा कोड इन योर वेबसाइट, रिजल्ट इन रिच सर्च रिजल्ट, बेटर CTR एंड मोर ट्रैफिक। तो जनरेट करेगा आपको ट्रैफिक भी आपको करेगा वहां पर जनरेट, और आपका CTR मतलब इंप्रेशन भी आपको बढ़ाकर देगा। रोल मैनेजर, द रोल मैनेजर अलाउ यू टू यूज वर्डप्रेस रोल टू कंट्रोल, आप कर सकते हैं अपनी इस प्लगइन के लिए। देन SEO एनालिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। साइट मैप आपको यहाँ पर ऑप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो साइट मैप आपको मिल जाएगा, वीडियो से रिलेटेड ही जो आपके कंटेंट है उसका आप साइट मैप डाल सकते हैं। गूगल वेब स्टोरी, ये अगर हम चूज करें तो इसके लिए भी आपको प्लगइन लेनी पड़ेगी एक। देन वू कॉमर्स, वू कॉमर्स की प्लगइन होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं हेल्प से रिलेटेड। देन यू कैन डू गेट एनी हेल्प फ्रॉम द रैंक मैथ। तो अब स्टेप कर लेते हैं विजल्ट। आई थिंक ये पहले करना चाहिए था, बाद में मुझे वो बताना चाहिए था, पर कोई नहीं, चलो इसको अभी यहां पर हम लोग कर लेते हैं। देन आपको चूज करना है इजी फॉर वेबसाइट वेयर यू ओनली वांट टू चेंज द बेसिक एंड लेट रैंक मैट टू डू मोस्ट ऑफ द हैवी लिफ्टिंग। मोस्ट सेटिंग आर सेट टू डिफॉल्ट एज पर इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस, वन जस्ट हैज टू सेट इट एंड फॉरगेट इट। तो इजी में आपको सब सिर्फ इजी ऑप्शन चूज करना है, जितना भी कंटेंट रहेगा, इमेज रहेगा, रैंक मैथ अपने आप से ही वहां पर एनालाइज करके आपको उस तरह के सर्च रिजल्ट्स यहाँ पर दे देगी। एडवांस, फॉर द एडवांस यूजर हु वांट टू कंट्रोल एवरी SEO एस्पेक्ट ऑफ द वेबसाइट, यू आर ऑफर्ड ऑप्शन टू चेंज एवरीथिंग एंड हैव फुल कंट्रोल ओवर द वेबसाइट SEO। तो आपका जो यूजर्स है वांट टू कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वेबसाइट्स, यू आर ऑफर्ड ऑप्शन टू चेंज एवरीथिंग एंड हैव फुल कंट्रोल ओवर द वेबसाइट्स SEO। तो इसमें आपका खुद का ही कंट्रोल रहेगा, बट आपको सजेशन वहां पर जरूर मिलेंगे। कस्टम मोड में सेलेक्ट दिस इफ यू हैव अ कस्टम रैंक मैथ सेटिंग फाइल यू वांट टू यूज इट। तो आई थिंक एडवांस इज फाइन। यहाँ पर मोर में ऑप्शन देखो, आपको PHP वर्जन 7.3 इससे रिलेटेड मिल जाएगा, इससे कोई जरूरत है नहीं। स्टार्ट विजर्ड, देन की नोट क्या है, आपका पर्सनल ब्लॉग है, कम्युनिटी न्यूज साइट है, पर्सनल साइट है, पोर्टफोलियो है, स्मॉल बिजनेस साइट, वेब शॉप, अदर पर्सनल वेबसाइट, अदर बिजनेस वेबसाइट। तो मैं कम्युनिटी ब्लॉग्स एंड न्यूज साइट कर लेता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका,
एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशनल देन कंपनी एडमिन इज मी विच इज वाई, या फिर आप माइट ट्यूटोरियल ही कर सकते हैं। लोगो आप यहाँ पर देना चाहें लोगो आप दे दे, अपलोड आप कोई भी फाइल यहाँ पर सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर आप कर देंगे, हमें नहीं करना है, अभी इसको यहाँ पर कर देते हैं। देन गूगल कनेक्ट टू योर गूगल सर्विसेज, इससे गूगल सर्विस पे कनेक्ट करने के लिए आपको अपना जो वेबसाइट है वो आपको सर्च कंसोल पर लिस्ट करना पड़ेगा। सर्च कंसोल का पूरा एक ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन भी दे दूंगा, अगर पूरे आई बटन नहीं हुए होंगे तो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मैं कनेक्ट गूगल सर्विस करूंगा तो आप यहाँ पर इसको चूज करें तो एक्सेस, एक्सेस आने के बाद वैसे वहां पर भी होना चाहिए, और हो सके तो आप वही वेबसाइट दें जो रैंक मैच से लॉगिन हो और सेम वेबसाइट आपकी सर्च कंसोल पर लॉगिन हो। तो डेटा लेने में अगर आपको सर्च कंसोल से डेटा चाहिए होगा रैंक मैच पर तो वो हेल्प करेगा, रैंक मैच अपना भी डेटा देता है, लेकिन दोनों कनेक्शन एक साथ रहेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। एनालिटिक्स भी उस पर ही चूज कर लो, टैग मैनेजर भी उसी वेबसाइट मेल एड्रेस पर ले लो ताकि सेम वेबसाइट सारे काम कर सके। सो माई साइट यू कैन चूज माई एक्सेस आपकी क्या है, आप चाहे तो इंडिया डाल दीजिए अदरवाइज वर्ल्ड वाइड। देन आपका देखो एनालिटिक्स के अकाउंट आ गया, देन प्रॉपर्टी, ये सब ऑप्शन आपको डालने हैं। अगर आपके पास एडसेंस अप्रूव्ड है तो आप एडसेंस की भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा इंस्टॉल एनालिटिक्स कोड और सेल्फ होस्टेड, तो ये सब चीजें भी आप यहाँ पर ऑप्शन में डालकर इसको कर सकते हैं आप चालू। मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि आपको आता है डालना, राइट, उसमें सिर्फ कॉपी करना है और आपको कनेक्ट करके दे देना है। देन साइट मैप आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, एक्सएमएल हेल्प सर्च इंजन इंडेक्स योर वेबसाइट कंटेंट मोर इफेक्टिवली, इंक्लूड इमेजेस, इंक्लूड रेफरेंस टू इमेज फ्रॉम द पोस्ट कंटेंट इन साइट मैप, दिस हेल्प सर्च इंजन इंडेक्स योर इमेजेस बेटर। देन आपको क्या पब्लिक पोस्ट दोनों के लिए करना है, लाइक तो पोस्ट के लिए भी और पेजेस के लिए भी, पब्लिक टेक्सटोमोनीज लाइक कैटेगरीज आप चूज कर लें, इसको एज डिफॉल्ट ही रहने दें। अगर न्यूज साइट मैप जब करें जब आपकी न्यूज की वेबसाइट हो तो ही वीडियो साइट मैप आप ओपन रहने दें। सेव एंड कंटिन्यू, सेव क्विक, नो फॉलो इंटरनल लिंक, या आप ले लें दोनों तरह का ले लें काफी अच्छा रहेगा। देन आपका यहाँ पर स्कोर भी आ सकता है और सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल, ये तो रैंक मैथ का है लेकिन आई होप आपने नॉलेज हंगर का जो यूट्यूब चैनल है वो जरूर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो। देन आपको देखो एडमिनिस्ट्रेटर में सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इसमें आप चेक इन चेक आउट कर सकते हैं अगर कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं चाहिए तो आपकी नीड के हिसाब से। देन एडिटर में भी और ऑथर में भी, देन कंट्रीब्यूटर के लिए भी, सब्सक्राइबर्स के लिए भी, ये सारे ऑप्शन आपको चूज करने हैं अपनी वेबसाइट्स और अपने बिजनेस के हिसाब से। देन सेव एंड कंटिन्यू, देन 44 मॉनिटर रिडायरेक्टर्स, तो 44 मॉनिटर्स विल लेट यू सी इफ योर विजिटर्स और सर्च इंजन्स बम्प इनटू एनी 44 नॉट फाउंड एरर व्हाइल ब्राउजिंग योर साइट। तो कुछ भी ऐसा है जो आपकी वेबसाइट पर नहीं है लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ साइट मैप और कुछ इशू की वजह से वो पर्टिकुलर पेज पर चले गए हैं, तो आपको नेविगेशन भी मिल जाता है और 404 नॉट फाउंड के भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। रीडायरेक्ट भी आपका इसी तरह से काम करता है कि अगर सपोज सेम पेज पर ही गए जहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर इनवैलिड पेज है तो वो रिडायरेक्ट आपको होम पेज पर या जो भी आपने अपना नेविगेशन में दिया हुआ है पर्टिकुलर पेज वो चला जाएगा। वो आपको होम भी हो सकता है, कॉन्टेक्ट अस भी हो सकता है, या फिर वो ऑप्शन भी हो सकता है जो आप खोलना ओपन करना चाह रहे हैं। सेव एंड कंटिन्यू, स्कीमा टाइप तो जितने भी आप स्कीमा यहाँ पर देना चाह रहे हैं वो यहाँ पर वेट कर दीजिए आप। स्कीमा टाइप यूज ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर डाटा टू मार्कअप कंटेंट टू हेल्प गूगल बेटर अंडरस्टैंड योर कंटेंट्स, कॉन्टेक्स्ट फॉर डिस्प्ले इन सर्च यू कैन सेट डिफरेंट डिफॉल्ट्स फॉर योर
पोस्ट है यस। सो ये सब चीजें आप यहाँ पर कर ले, देन सेव एंड कंटिन्यू। तो आपका कंप्लीट हो गया विजर्ड। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जितना भी आपका पुराना डेटा है वो सब चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इंपोर्ट सेटिंग। सीएसबी फाइल्स अगर कोई है तो आप एक्सपोर्ट बैकअप भी यहाँ पर बना के रख सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी। देन बात करें तो अब ये डैशबोर्ड आपका तो यही हो गया राइट। देन एनालिटिक्स ऑप्शन जो आपको यहाँ पर मिल जाता है उसमें आपकी वेबसाइट की कितनी परफॉर्मेंस है ओवरऑल, ऑप्टिमाइजेशन, गुड, फेयर, पुअर, ये सब चीजों में आपको मिल जाएगा। सर्च इंप्रेशन, टोटल क्लिक्स, टोटल कीवर्ड्स, एवरेज पोजीशंस आपको बेस्ड ऑन द डेट रेंज मिल जाएंगे। मिनिमम 6 मंथ का आप डेटा दे सकते हैं यहाँ से। और ऑल कीवर्ड्स आपको ओपन रिपोर्ट में अगर जाए तो जब इतने अच्छा खासा एक ट्रैफिक आएगा तो वो काफी चीजें यहाँ पर बदल जाएंगी। दिस साइट एनालिटिक्स का अगेन गुड स्कोर, फेयर स्कोर, पुअर स्कोर और नो डेटा के बेस पर। और यहाँ पर देखो टाइटल और पेजेस के हिसाब से, जैसे होम पेज ब्लॉक, क्योंकि ये पर जो थीम हमने यूज की हुई है उसके डिफॉल्ट पेजेस हैं ये, तो उसके बेस पर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं स्कीमा है या नहीं है ये सब चीजें आपको मिल रही। देखो किस तरह का स्कीमा लगाया हुआ, होम पेज पर आर्टिकल स्कीमा लगाया हुआ है, ब्लॉग पर स्कीमा नहीं है, अबाउट पर आर्टिकल, मीडिया पर आर्टिकल, तो इस तरह से यहाँ पर डिफॉल्ट में यहाँ पर आए हुए हैं। देन एसईओ परफॉर्मेंस सेम, आपके कीवर्ड्स जितने भी कीवर्ड्स हैं टॉप 3 पोजीशंस, 4 to 10 पोजीशंस, 10 to 15 पोजीशन, 51 to 100 पोजीशंस, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी टॉप 3 की, 4 से 10 सर्च रिजल्ट के बीच, 10 से 50 सर्च रिजल्ट के बीच और 50 से 100 सर्च रिजल्ट्स के बीच ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेंगी। देन नीचे आप टॉप 5 विनिंग कीवर्ड्स जो बात हुई थी पहले, जो लूज हैं जो विनिंग है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। देन जनरल सेटिंग्स में आपको यहाँ पर ये थोड़ा और काफी अच्छा रहेगा। देन सेटिंग्स में अगर बात करें स्ट्रिप कैटेगरी बेस्ड, रिमूव कैटेगरी फ्रॉम कैटेगरी अर्शाइव यूआरएल, तो ये अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं। रिडायरेक्ट अटैचमेंट, जितने भी रिडायरेक्ट पेजेस हैं, रिडायरेक्ट ऑफन अटैचमेंट, तो जो भी मैंने बताया था नोट 4 में अगर आप जाएंगे तो सीधा इस ट्यूटोरियल पर जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको ब्लॉग्स या जो भी आपका पेज रहेगा उसमें भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। नो फॉलो इंटरनल लिंक्स ईच अदर, डू फॉलो, नो फॉलो के ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो ये बहुत बेसिक सेटिंग है। ब्रीड क्रैम्स में भी आपको ये ऑप्शन है, यूज द फॉलोइंग कोड इन योर थीम टेम्पलेट फाइल टू डिस्प्ले ब्रीड क्रम्स। सो अगर आप ये अपने ऑप्शन में यहाँ पर दिखाना चाह रहे हो तो इसे कॉपी पेस्ट करके आपको H1 में डालना पड़ेगा, और इसको आप चाहें तो ये ऑन भी कर दो। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा कि किस तरह से आप यहाँ पर अपने कीवर्ड को दिखाना चाह रहे हो सर्च रिजल्ट पर, तो आपको अगर आ जाए तो ये बात ये हो गई है, ये जो ऑप्शन यहाँ पर आपको, आप अपने सर्च रिजल्ट्स की टैगलाइन को किस तरह से दिखाना चाहते हैं। तो अगली इमेज से रिलेटेड है आपकी, ये काफी अच्छा है, इस पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दें आप। तो आप ऐड मिसिंग ऑल एट्रीब्यूट्स आप ऐड कर सकते हैं। देन आपको फाइल का नाम यहाँ दे देंगे तो जब भी कोई उससे रिलेटेड सर्च करेगा, जैसे देखो ये क्या होता है ना, रैंक मैथ आपने सर्च किया इमेज में आप आए, तो आपको रैंक मैथ के जितने भी लोगो हैं या फिर जितने भी इमेजेस यहाँ पर ऑप्टिमाइज की हुई है रैंक मैथ के लिए, इवन देखो लिंक्डइन के ही इनके पेज पर भी, और ये कोई पर्टिकुलर वेब ब्लॉगर हैं उनके यहाँ से भी, यूट्यूब, सर्च इंजन जर्नल्स, इंस्टा, तो इन सब ने ये इमेजेस ऑप्टिमाइज की हुई है। तो इस तरह के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे फाइल नेम यहाँ पर डालने के लिए। देन एड मिसिंग टाइटल एट्रीब्यूट्स, ये भी आप टाइटल भी यहाँ पर डाल सकते हैं आराम से। एड मिसिंग इमेज कैप्शन, आप कैप्शन दे सकते हैं कि जैसे सनराइज का है तो अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, अगर आप जिस भी तरह का आपका यहाँ पर इंडस्ट्री है। देन वेब मास्टर टूल्स में सर्च कंसोल का आपका वेरिफिकेशन पेज, देन अगेन वेब मास्टर टूल वेरिफिकेशन पेज, अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो
सर्च कंसोल पर चला जाएगा, ये वेरीफाई आप कि मैंने ये वेबसाइट सर्च कंसोल पर नहीं ऐड की है, बिकॉज देखो ये वेबसाइट टोटली गाइस आपके लिए है, क्योंकि जो भी ट्यूटोरियल मैं बनाता हूँ वर्डप्रेस डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्लगइन, थीम, जितने भी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं, हमारे ट्यूटोरियल मिलते हैं, वो माई एग्जाम्पल डॉट ट्यूटोरियल पर ही मिलते हैं। तो क्योंकि ये वेबसाइट मैं स्क्रैच भी कर देता हूँ, ये वेबसाइट डिलीट भी हो जाती है, फिर अगर सपोज कोई अगर हम आगे डीवी थीम से रिलेटेड कोई टाइप ट्यूटोरियल लेके आते हैं हाउ टू मेक ई कॉमर्स वेबसाइट विद डीवी थीम, तो ये वेबसाइट पूरा नया बन के आ जाएगा, राइट, कि ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाए। सपोज पॉडकास्ट का अगला वीडियो हमारा आने वाला है, तो पॉडकास्ट का वीडियो लाइक वेबसाइट कैसे बनाए, तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको ये यही ट्यूटोरियल पर और यही लिंक आपको मिलेगा माई एग्जाम्पल ट्यूटोरियल डॉट इन, इसलिए इस पे कोई डाटा रहता नहीं है। एडिट रोबोट डॉट टी एक्स टी, तो इसको आप लीव द फील्ड एम्प्टी टू लेट वर्डप्रेस हैंडल द कंटेंट डायनामिकली इफ एक्चुअल रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल इज प्रेजेंट इन द रूट फोल्डर ऑफ योर साइट दिस ऑप्शन वोंट टेक इफेक्ट एंड यू हैव टू एडिट द फाइल डायरेक्टरी और डिलीट इट एंड देन एडिट फ्रॉम। तो रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल अगर आपके डायरेक्टरी में है जो सी पैनल पर रहती है तो यहाँ पर जरूरत नहीं है, अगर वहां पर आपको नहीं रखनी है यहाँ से सीधा अगर आपको उसको यूज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे आप रोबोट डॉट टी एक्स टी को डायरेक्टरी में ही रहने दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देन अदर्स ऑप्शन आपको देखो मिल जाते हैं, हेडलेस सी एम एस सपोर्ट ये कुछ मिल जाता है आपको, शो एस यू स्कोर टू विजिटर्स, नहीं इसको आप बंद करो क्योंकि विजिटर्स को हमें नहीं दिखाना है। देन आपको देखो वेरिएबल्स ऑथर्स से और डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देन एडिट एक्सेस इसको ऐसे रहने दो, 404 मॉनिटर ये कुछ अच्छा है, आप यहाँ पर अपने नेविगेशन और जितने भी आपको ऑप्शन देने हैं वो देख सकते हैं। देन रिडायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, इसको आप ऑन करके रखें। देन रिडायरेक्टेड टू होम पेज आप चाहें तो डाल सकते हैं, जब भी किसी को कोई पेज सर्च करना है वो आपके पास नहीं है तो उसको होम पेज पर भेज दें ताकि एग्जिट ना हो वेबसाइट से, ताकि उसको ना लगे कि स्पैम है, और आपके और अदर सर्विसेज को भी फिर वो या ब्लॉग्स को भी वो चेकआउट कर सकता है होम पेज के बाद। देन सर्च कंसोल से रिलेटेड आपको यहाँ सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप अपनी जितनी भी एडसेंस है, एसईओ मॉनिटर, आपकी एनालिटिक्स है, आप लोगो वगैरह सब यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। टेंट एआई इंडिया चेंजेस टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन आप कैसे लगाएं, इंडेक्स कर दें आप यहाँ पर, एडवांस रूट मेटा डिस्क्रिप्शन ये एज इट इज रहने दें इसको। देन मैं बोलूँगा तो आप ये ज़्यादा यूज करें, कैपिटलाइज टाइटल्स जरूरत नहीं है, बाकी सब चीज़ें आप ऐसे ही रहने दें। लोकल एसईओ में जैसा है वो ठीक है, अपना यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं जो भी आप डालना चाह रहे हैं, ट्यूटोरियल इन बेंगलोर या फिर इंडिया या अपनी नॉर्मल कंपनी का नाम। देन आप अपने लोगो यहाँ यूज कर सकते हैं, आप अपना यूआरएल दे सकते हैं, मल्टीपल लोकेशन डालनी है यस, जितने भी आपकी लोकेशंस हैं यहाँ पर ये ऑप्शन में डाल दो, ठीक है। ओपनिंग आवर्स मंडे ये सब ऑप्शन, 24 आवर्स फॉर्मेट्स, फोन नंबर, प्राइस रेंज, गूगल मैप एपीआई की जो भी आप डालना चाह रहे हो, आपका एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल, फेसबुक, ये तो नॉर्मली है देखो, ये जितनी भी आपकी ईमेल एड्रेस हैं वो आप डाल दो यहाँ पर। होम पेज से रिलेटेड सेटिंग आप अपने रिडायरेक्शन में कर सकते हैं, ऑथर से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड आ जाइए, पोस्ट टाइटल आप किस तरह से चाह रहे हैं ये डिफॉल्ट है ये, बाकी मैं तो खुद बोलूंगा आपको कि जो भी पोस्ट और पेज का टाइटल है वो आप अपने ही हिसाब से, मैं तो ये बोलता हूँ कि जो कीवर्ड डेंसिटी आ रही है ज्यादातर वही रखें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर वहाँ पर कीवर्ड भी हो सकता है,
वो आपका टाइटल भी हो सकता है, दूसरी चीज में आप डाल सकते हैं लाइक 15+ सर्टिफिकेशन, या फिर विद लाइव प्रोजेक्ट विद 100% प्लेसमेंट, इस तरह की चीजें भी आप डाल के ऐड कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो पुराने हैं काफी अच्छा, आपका डोमेन रेट है और डीएपी है काफी अच्छा है, तो आप अपना एक गिमिक लाइन भी ले सकते हैं लाइक बूस्ट योर नॉलेज, जैसे फिर आप गूगल एड्स बनाते हैं उस तरह की चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं। देन साइट मैप सेटिंग्स, इसको छोड़ दें, साइट मैप्स में भी आपको यहाँ पर ये ऑप्शन है लिंक्स पर साइट मैप्स 200, तो अगर पेज में 200 से ज्यादा ब्लॉग्स डाल रहे हैं तो फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा। इमेज साइट मैप्स की भी ऑप्शन है यहाँ पर, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। पोस्ट से रिलेटेड पेज अटैचमेंट, कैटेगरी टैग्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो चेंज तो कुछ ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन काफी थोड़ा आपका एसईओ का रोल थोड़ा चेंज हो सकता है, थोड़ी हेल्प आपको यहाँ पर मिल सकती है। वीडियो साइट मैप्स, आप की जो भी वीडियोस हैं उनकी आप यहाँ पर ऑप्शन है साइट मैप्स के थ्रू, आप उसकी और विजिबिलिटी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। दैट सबमिट यूआरएल्स सेटिंग्स, कितने आप एपीआई चाहिए या फिर ये चाह रहे हैं, स्कीमा टेम्पलेट्स ऐड करें, आप जब भी स्कीमा टेम्पलेट यूज करेंगे, सपोज हम आर्टिकल यूज कर लेते हैं, ऑनलाइन हिसाब दे सकते हैं, टाइप टू सपोज, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, गुड, एंड गुड, आप प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, ठीक है, ऑफ करेंगे तो अब जो भी वो पर्टिकुलर आपका आर्टिकल चाहेगा ये ऑप्शन में यहाँ पे बना आपका, आप इसे कॉपी कर सकते हैं और पेज पर एडिटर में आप डाल सकते हैं, अदरवाइज टैग मैनेजर में भी आप डाल सकते हैं। मैनेजर रोल, ये तो आपका खुद का इनसाइड हो गया, 44 नॉट मॉनिटर, आप ऑप्शन यहाँ पर सेटिंग दे सकते हैं, जो अभी हमने बात की थी पहले, एसईओ एनालिसिस, वाइड एनालिसिस, तो पूरा जितना भी है एनालिसिस कर देगा, अभी तो कुछ है ही नहीं तो एनालिसिस क्या ही करेगा ये भी है। देन अभी भी चलो ठीक है, अच्छी बात है। देन स्टेटस एंड टूल्स, कुछ आपको यहाँ पर हेल्प सपोर्ट मिल जाए, तो चलो अब बात करते हैं, कुछ एक पेज ऐड कर लेते हैं और बताते हैं कि किस तरह से काम करता है ये। डिजिटल मार्केटिंग, तब सही है, पब्लिश इट, एंड टेक्स्ट है ये, मैंने आपको इसमें फ्री वन वन टू वेरी यूजफुल, अभी जो अगले ट्यूटोरियल्स आएंगे और फ्यूचर में आपको कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड आपको गूगल
एड्स से रिलेटेड भी वहां पर आपको कंटेंट मिल जाएंगे, और एसईओ के एक फुल कोर्स वगैरह भी हम फ्यूचर में लेकर आ रहे हैं। चलो तो मैंने इसको सपोज अपडेट कर दिया, तो ये पूरी कैटेगरी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसको अगर हम यहाँ पर क्लिक करें देन ये अगले ऑप्शंस हैं, किस तरह के आपको ऑप्शन चाहिए, देन आपको ये कलर टेक्स्ट मिलता है। ठीक है, अभी AI कंटेंट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। AI कंटेंट में पहले चूज कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। आई थिंक मुझे मुझे लगता है कि हमारे पास है नहीं क्रेडिट, तो अगर आप चूज करते हैं AI कंटेंट, तो आप जो भी वर्ड डालेंगे उससे रिलेटेड वो आपको जो भी कंटेंट है वो दे सकता है, तो आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, टाइटल वगैरह भी आप वहां पर बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी आप बना सकते हैं। देन आपको यहाँ पर एडवांस में मिल जाएगा कि आपको इंडेक्स करना है कि नहीं करना है, स्प्रिट आप कित डाल सकते हैं, वीडियो अगर है इसमें तो आप वीडियो प्रिव्यू भी दे सकते हैं, अगर कोई इमेज है लार्ज स्मॉल और स्टैंडर्ड के बेस पर आप उसको भी यहाँ पर जो स्प्रिट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, एनी क्रॉनिकल टेक्स्ट, ब्रेड क्रम्स टाइटल्स और रीडायरेक्ट फ्रॉम एनीवेयर, तो इस तरह के ऑप्शन आप डालो। स्कीमा आपको आर्टिकल स्कीमा है या जनरेट करना है, तो जो भी आपका इंडस्ट्री बेस है, अगर सपोज एक आर्टिकल है तो आप आर्टिकल स्कीमा ले लें, किसी बुक से रिलेटेड है तो आप बुक वाला स्कीमा ले लें, कोर्सेज है तो कोर्स स्कीमा ले लें, डेटा सेट है तो वो आप यूज कर ले, इवेंट बेस्ड है, FAQ है, तो जितनी जितने भी यहाँ पर लिस्टेड हैं उससे भी रिलेटेड अगर कुछ है आपका लाइक कंटेंट और आपको चाह रहे हैं उसको स्कीमा मार्कअप, तो आप चूज करें और उसको यहाँ पर नीचे कोड पेस्ट कर देंगे, या फिर आप रैंक मैथ में भी कोड सॉरी गूगल टैग मैनेजर में भी कर सकते हैं। अगर यहाँ करेंगे तो आप नॉर्मल इसको ओपन करें देन आपको शॉर्ट कोड आ जाएगा, यहाँ से भी आप कोड पे कॉपी कर सकते हैं देन अपडेट कर सकते हैं, तो जो शॉर्ट कोड के थ्रू आएगा वो आपके मेन पेज पर भी नहीं दिखाएगा। देन अभी इस पर कीवर्ड कैसे डालते हैं, देखो ये बगल में छोटा सा दिया हुआ है अपग्रेड, तो अगर आप अपग्रेड लेते हैं प्लान लेते हैं तो आपका पूरा डेटा एनालाइज करके खुद ही वो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि लाइक जैसे हमारा वाई डिजिटल मार्केटिंग इज हेल्पफुल है ना, तो उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स आ रहे होंगे अच्छी डेंसिटी के साथ अच्छे टाइटल टैग के साथ, वो सब चीजें आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिखाएगा, और SEO डिफिकल्टी कितनी है, कितना उसका रैंक टाइम है और किस तरह से आप उसको रैंक कर सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पर फोकस कीवर्ड में डालता हूँ मैं वाई डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया, अगला इम्पोर्टेंस डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट पे जरूर जाइएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूंगा, तो उससे रिलेटेड लोकल सर्च से रिलेटेड, गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड, कीवर्ड सर्च से रिलेटेड सारी प्लेलिस्ट आपको वहीं मिल जाएगी। इंडिविजुअल वीडियो ना देखकर मैं आपको पूरा एक प्लेलिस्ट दे दूंगा, जैसे आपको सर्च कंसोल का भी चाहिए होगा कि ऐसे सर्च कंसोल पर आप अपनी वेबसाइट को लिस्ट करेंगे, किस तरह से आप रैंक मैथ एनालिटिक्स गूगल टैग मैनेजर इन सबको आप एक जगह ऐड करके यहाँ पर पूरा डाटा ला सकते हैं, उस तरह का मैं एक यहाँ पर आपको जो भी वीडियो है वो बने हुए हैं पहले से, मैं आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दे दूंगा लाइक डिजिटल डिजिटल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन देखो आप देख रहे होंगे ना ये ही डार्क है, ये डार्क इसलिए क्योंकि ये ही आपका मेन फोकस्ड कीवर्ड है। ठीक है, तो फोकस कीवर्ड यहाँ पर डार्क रहेगा, बाकी कीवर्ड आपको नॉर्मल में मिलेंगे, और नीचे आपको देखो ऑप्शन दिखो कि यहाँ पर देखो सब चीजें एरर दिखाएगा क्योंकि कुछ है नहीं कंटेंट में, तो जो भी आप कंटेंट लिखने के बाद कीवर्ड सर्च करने के बाद जो भी प्रॉब्लम है बेसिक में
वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाएगा, जैसे देखो ऐड फोकस कीवर्ड टू द एसईओ टाइटल, ऐड फोकस कीवर्ड टू योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ये सब चीजें यहाँ पे मिलेगी। अब मैं इसको एडिट स्प्लिट भी एडिट कर देता हूँ, जो टाइटल और टैग है हमारा, तो वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपोर्टेंट, ठीक है, ये पैरामल लिंक्स आ गया आपका, चाहे तो आप इसे ऐड भी कर दोगे, इतना भी छोड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं वाई डिजिटल मार्केटिंग इंपोर्टेंट नाउ। इस तरह से आप कुछ करके यहाँ पर ऑप्शन डालें, प्रीव्यू मिलेगा देखो कि मोबाइल पर किस तरह आपका ऐड आएगा, सॉरी किस तरह से सर्च रिजल्ट आएगा, और डेस्कटॉप पर किस तरह सर्च रिजल्ट आएगा। देखो बगल में इमेज, वीडियोस, न्यूज, ये सब चीजें भी दी हुई है, आप इसको चाहे तो अपडेट भी कर देंगे। यहाँ पर थोड़ी चीजें यहाँ पर कम हो जाएगी, एडिशनल में आपको ऑप्शन मिलेंगे H1 H2 से रिलेटेड, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो हेडिंग और ये सब चीजें कहाँ से आएगी, इमेजेस वगैरह भी कुछ ऐड नहीं है देखो, लेकिन ये सही है, यू आर इज 61 कैरेक्टर्स लॉन्ग, तो ये चलो कुछ तो अच्छा है राइट। तो इस बात पे लाइक करो, यहाँ तक आए हैं वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करो। यूज कंटेंट कंटेंट AI टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट, तो वो प्रो और बिजनेस लेवल में हो जाएगा आपका। मैं आपको ये बोलूंगा कि स्टार्टिंग में आप अगर बिगनर हैं, आप कोई इंडस्ट्री या बिजनेस नहीं है आपका, ब्लॉगर है, तो नॉर्मल आप 10 से 15-20 दिन सीखने के लिए आप नॉर्मल जो रैंक मैथ है उसको यूज करें। 1 2 3 मैं तो बोलूंगा 5 6 ब्लॉग्स पर आप इसको ट्राई करें नॉर्मल वाले को, देन अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप प्रो वर्जन पर जाए। लेकिन अगर आप एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, बिजनेसमैन है, तो पक्का आपको फिर लेना पड़ेगा ही, ये लाइक प्रो वर्जन ही लेना पड़ेगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से खरीद सकते हैं। तो ऑप्शन भी देखो, रीडेबिलिटी मिल जाएगी आपको कितना परसेंट है, लाइक द फोकस कीवर्ड नियर द बिगनिंग ऑफ एसईओ टाइटल्स, तो इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। देन अगेन वी गॉट समथिंग गुड, योर टाइटल हैज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट, नाइस, योर टाइटल कंटेन्स 1 पावर वर्ड, ओ वाह नाइस, योर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन अ नंबर, तो इस तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। कंटेंट रीडेबिलिटी, यूज टेबल ऑफ कंटेंट ब्रेक डाउन द टेक्स्ट, यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स, तो ये सब ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं रैंक मैथ वर्सेस योस्ट एसईओ, जिसकी बहुत पहले से बात चल रही थी कि ज्यादा अच्छा कौन सा है, किसको हम को लोगों को चूज करना चाहिए। तो देखो अच्छे दोनों हैं, दोनों पर व्यूअर्स दोनों पर अच्छे हैं, दोनों के प्राइस भी काफी अच्छे हैं, काफी दोनों लिमिटेड से भी ज्यादा काम करते हैं बेस्ड ऑन यू नो पर्टिकुलर थिंग्स, बट योस्ट एसईओ में आपको लोकल करना है, ई कॉमर्स करना है, जितने भी ऐसे करने उसके हिसाब से आपको प्लगइन लेनी पड़ेगी। रैंक मैथ पर आपको इंडस्ट्री बेस्ड पर प्लगइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि कितना बड़ा आपका फैला हुआ बिजनेस है, क्योंकि एक ही प्लगइन में, एक ही प्रीमियम टूल में आपको, अगर देखो सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड है और आपके नंबर ऑफ वेबसाइट से रिलेटेड है, लेकिन आपको स्कीमा मार्कअप रिच स्प्लिट के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ई कॉमर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सेम थीम और सेम प्लगइन चल जाएगी, आपको वीडियो स्कीमा के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सेम प्लगइन चल जाएगी। तो ये सब चीजें जो एक ही कॉम्पैक्ट में मिल रही है ना रैंक मैथ में, वो शायद योस्ट एसईओ में या फिर ऑल इन वन एसईओ में कहीं मिसिंग है, और ज्यादा कॉस्टली भी है, रैंक मैथ इतना कॉस्टली नहीं है। अगर आपको खरीदना है ऑप्शन, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आप मेरे लिंक से लेंगे तो इस चैनल की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी भी। तो अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, आप और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड आप चीजें सीखना चाह रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पर सीखना चाह रहे हैं, आप youtube.com/knowledgehunger पर आप आए, यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रीमियम कोर्सेस के लिए विद लाइव प्रोजेक्ट्स, विद 1 ईयर डोमेन इन होस्टिंग और रैंक मैथ और योस्ट एसईओ की ये सारी प्लगइन फ्री में, काम सीखने के लिए आप हमारे www.knowledgehunger.com पर जाएं, हमारे आने वाले बैचेस पता करें, और हम प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और जितने भी लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हैं,
आपको नॉलेज नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप आए एक बार जरूर चेक करें कि हमारी अपकमिंग क्लासेस कब है। वीकेंड एंड वीकडेज दोनों तरह की क्लासेस आपको देखने को मिल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज हंगर यूट्यूब चैनल। प्लीज डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब विद एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।